नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। देश पहली बार G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, ऐसे में इसे लेकर तैयारियां भी चरम पर है। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियां भी अंतिम चरम पर है। पूरी तैयारी के लिए फंड जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो अरविंद केजरीवाल द्वारा उनकी सरकार द्वारा लेने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल हो या फिर अरविंद केजरीवाल का खुद का या उनके नेता और मंत्रियों का हैंडल हो, सभी से तस्वीरों को आप कह सकते हैं क्रॉप करके दिखा के ये बताया जा रहा है कि G20 नहीं बल्कि पूरी तरीके से साफ सफाई, दिल्ली पूरा आप कह सकते हैं सजाना, सब कुछ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बता दें कि जहां लोगों को G20 के बारे में बताने और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए देश भर के शहरों में तरह तरह के कार्यक्रम भी हो चुके हैं, अब दिल्ली में G20 सम्मेलन की घड़ी काफी नजदीक आ चुकी है। दिल्ली पूरी तरह से G20 शिखर सम्मेलन के अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। चारों तरफ दिल्ली बदली बदली सी नजर आ रही है G20 को लेकर। एक तरफ दिल्ली भर में मरम्मत और मेंटेनेंस का काम किया गया है, तो दूसरी तरफ उन इलाकों का सौंदर्यकरण भी किया गया है जहां से G20 में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि मंडल का आवागमन और ठहराव होगा। इस कड़ी में राजधानी दिल्ली के कई फ्लाईओवर की दीवारों, अंडरपास और सड़कों के किनारे हरियाली के साथ सुंदर कलाकृतियों को उकेरा गया है, जिसको दिल्ली की सुंदरता में चार चांद लगाई गई। दिल्ली में जहां सड़क, फुटपाथ और फ्लाईओवर की दीवारों में हरित और सुंदर कलाकृतियों वाली पेंटिंग से सजाया गया है, तो दूसरी तरफ कई मेट्रो स्टेशन का भी सौंदर्यकरण किया गया है। मेट्रो स्टेशन की दीवारों और पिलर को तो जो है करीने से सजाया गया है, साथ ही पार्किंग स्थलों पर भी आकर्षक रंग रंगोन कर उसे सजाया गया। मेट्रो स्टेशन के मीडिया विज्ञापन वाले जगहों पर भी G20 सम्मेलन वाले संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह सुंदर लाइटिंग लगाई जा रही है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसे में G20 समिट की अध्यक्षता भारत तो कर ही रहा है, राजधानी दिल्ली में भी अगले महीने G20 की बैठक होने वाली है और इसे लेकर तैयारी जैसे कि हमने आपको बताया जोरों पर है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है जिस तरीके से साफ सफाई की गई है, फंड सरकार द्वारा दिया गया है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर आम आदमी पार्टी जो है लगातार ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही है कि सारी चीजें सब कुछ जो है अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि बकायदा अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ वो जो काम अभी किया गया है, जिस कलाकृति की हम बात कर रहे थे, जो सुंदर पेंटिंग और साफ सफाई की हम बात कर रहे थे, उसे जो है फंड जो है केंद्र सरकार दिया, लेकिन इसे पूरी तरीके से केजरीवाल का काम बताया जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी लिख रहे हैं कि आखिर क्यों दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पूरी दिल्ली को पता है कि यह सब केंद्र के पैसे से हो रहा है। G20 मीटिंग के लिए केंद्र सरकार करोड़ों का स्पेशल बजट इसके लिए दिया गया। बता दें संजय सिंह ने भी जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं जहां पर G20 साथ सजावट है, उनकी कई सारी तस्वीरों को एक साथ कोलाज बनाया। उन्होंने लिखा है सुंदरता, सफाई, हरियाली, हैशटैग केजरीवाल क्लीन्स दिल्ली, ये हैशटैग उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने भी इको फ्रेंडली, प्रॉमिस ब्लूम, दिल्ली गियर अप फॉर G20 समिट, तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कितनी सुंदर तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है सारा काम कर रही है। और वहां पर जो G20 वाला पोर्शन है जहां पर G20 लिखा है उसे क्रॉप कर दिया गया। सौरभ भारद्वाज है, उन्होंने भी लिखा नगर निगम आपकी सरकार की आई बदलने लगी तस्वीर, राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली अब साफ और सुंदर बनेगी। जबकि ये पूरा काम जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्र के पैसे द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार इसके लिए बजट लेकर आई थी और इसे किया जा रहा है। राघव चड्ढा ने भी कई सारी तस्वीरें, कलाकृतियां जैसा कि हमने आपको बताया, पेंटिंग वगैरह की गई है, उसकी तस्वीर पैसे साझा करते हुए लिखा है सालों तक MCD में BJP की सरकार ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, जब से MCD में अरविंद केजरीवाल जी सरकार बनी है तब से दिल्ली को साफ और सुंदर बनाने का काम तेजी से हो रहा है, होता है साफ नियत और ईमानदारी का कमाल। अब ये देखिए कि किस तरीके से कही जा रही है। अब राघव चड्ढा के भी पोस्ट को कोट करते हुए डॉक्टर रोहित उपाध्याय ने लिखा है चड्ढा जी ये सबको बता है कि सितंबर में होने वाली G20 के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य केंद्र सरकार और माननीय जो है LG यानी विनय कुमार सक्सेना द्वारा करवाया जा रहा है, और आप यहां पर भी मक्कारी करने लगे हैं, अपना बात से क्रेडिट ले रहे, काम का क्रेडिट लेना है तो दिल्ली के अन्य स्थानों का ले। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि BJP ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से जो कूड़ा
कचरा दिल्ली में फैला हुआ है उसकी तस्वीरें निकाली और उसे कोलाज करके लिखा है कि क्रेडिट चोरी की आदत से कभी बाज नहीं आ सकती आप। हर कोई जानता है कि G20 समिट के लिए केंद्र सरकार और एलजी द्वारा काम हो रहा है, क्रेडिट लेना ही है तो इन कूड़े के ढेर का लीजिए, इन टूटी सड़कों का लीजिए, यहाँ क्या क्यों पीछे रह गए हैं केजरीवाल। तो अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि अगर आपको क्रेडिट लेना है तो उन चीज़ों का लें जो कि एक्चुअली आपको करना चाहिए, उन चीज़ों का नहीं जो आपने की नहीं है। बता दें आपको कि अब इस मामले में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र के किए कार्यों का, केंद्र सरकार से मिले फंड के किए कार्यों का श्रेय लेने में आम आदमी पार्टी माहिर है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने G20 से जुड़े सौंदर्यीकरण कार्यों के चित्रों को एक हैशटैग केजरीवाल क्लीन्स दिल्ली के जो है साथ ट्वीट किया है और यह दिल्ली सरकार द्वारा जो है प्रदेशवासियों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है जो निंदनीय है। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निगम में राष्ट्रीय राजधानी में G20 समिट से जुड़े जितने भी सौंदर्यीकरण या विकास कार्य कर रहे हैं वो सभी केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फंडों से किया जा रहा है। फरवरी 2023 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार से दिल्ली में G20 से जुड़े विकास कार्यों के लिए 972 जो है करोड़ रुपए मांगे थे। समीक्षा के बाद केंद्र ने उचित फंड दिल्ली सरकार को दिया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल सरकार यदि अपने बाजारों के सौंदर्यीकरण की घोषित योजना पर काम करती है तो आज ऐसा नहीं होता, आज वो बाजार चमक रहे होते हैं, लेकिन ये काम बीजेपी को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज G20 सम्मेलन से पहले यहाँ के अनेक प्रमुख बाजार चमक रहे होते लेकिन केजरीवाल ने 2022-23 के बजट में घोषणा करने के बाद भी दिल्ली में किसी भी बाजार में कोई सौंदर्यीकरण कार्य नहीं करवाया है और अब जो काम हो रहे हैं उसे लेकर जो है ये आप कह सकते क्रेडिट ले रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि G20 सम्मेलन के चलते दिल्ली में केंद्र सरकार के कार्यालय के 3 दिनों के जो है बंद रहने की घोषणा की है। देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है और इसी को देखते हुए दिल्ली सचिवालय और केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में क्या असर होगा। कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर बताया है कि केंद्र सरकार के सभी ऑफिस 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। मंत्रालय ने देश में कहा कि वृहद पैमाने पर आयोजन इंतजाम के मद्देनजर G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों को 8 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में सभी निजी और सरकारी कार्यालय 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। वहीं नई दिल्ली जिले में बैंक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी इन 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इसको लेकर दिल्ली सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सचिवालय ने अपने आदेश में सरकारी विभागों के ऑफिस में पब्लिक हॉलिडे यानी सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करते हुए इन 8 सितंबर को बंद रखने और बंद करने की घोषणा की है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 9 सितंबर और रविवार 10 सितंबर को भी कार्यालय बंद ही रहेंगे। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये भी बड़ा फैसला उनके द्वारा लिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिस शैक्षिक संस्थान के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं, यानी प्राइवेट ऑफिस भी यहाँ दिन बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन में आगे बताया गया कि नई दिल्ली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली एरिया के कमर्शियल बैंक वित्तीय प्रतिष्ठान और दुकानों को 8 से 10 सितंबर तक बंद रखने के लिए भी कहा गया है। तो ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और ये सारी चीज़ें जो है कही गई है जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये बातें कही जा रही है, चीजें कही जा रही है और हम इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।